हेलो, वेलकम बैक माय ताज सलून। आप सबका स्वागत है एक बार मेरे नए वीडियो में फिर से। और आज हम करने वाले शहनाज हुसैन का गोल्ड फेशियल 6 स्टेप्स है, और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शहनाज हुसैन का पहला स्टेप है क्लीजिंग। गोल्ड क्लीजर है, क्लींजर है, और इसको अप्लाई करने का जो तरीका है बहुत ही सादा सिंपल है। आप आधा चम्मच ले लीजिए, इसको स्किन के ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद इसको अपने हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट तक मसाज दे दीजिए। और इसके अंदर मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ कि आप क्लीजिंग जब लगाते हो तो इसके अंदर आपको विटामिन सी भी मिलता है, आपके स्किन को विटामिन सी मिलता है, और बहुत ही बढ़िया आपका जो स्किन है वो हेल्दी हो जाती है, और इसके स्किन के ऊपर जितना भी डस्ट पॉल्यूशन होता है वो इसको क्लीन कर देता है। तो क्लीजिंग का सबसे मेन काम जो होता है यही होता है कि स्किन के ऊपर जो पॉल्यूशन है उसको क्लीन करता है। उसके बाद इसको आप कॉटन से साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। दूसरा स्टेप है गोल्ड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। तो इसको हम अप्लाई करने का सही तरीका जो है स्क्रब का वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा सिंपल है। तो आप स्क्रब को हल्के हाथों से एकदम अपने जो फिंगर होते हैं उससे हल्का हल्का इसका अपने स्किन के ऊपर गोल गोल करके उसको मसाज दीजिए। ज़्यादा प्रेशर ना दें वरना आपकी स्किन के ऊपर रेसेस पड़ सकते हैं और आपको आपकी स्किन को हार्म हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए स्क्रब कभी भी आप अपने हल्के हाथों से ही करें, फिंगर से करें जहाँ तक हो सके। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से साफ कर दे ताकि इसके अंदर जो डॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो आप क्लीन हो जाए, ताकि आपको जब आप मसाज क्रीम लगाएं तो उसमें आपको स्क्रब के डॉट्स ना रहें। तो इसके सबसे आसान तरीके आप इसको अपने मेकअप ब्रश से भी साफ कर सकते हैं, तो इसको साफ कर दीजिए। उसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरा स्टेप, मसाज क्रीम जो है गोल्ड मसाज क्रीम है शहनाज का, और इसको भी सेम तरीके से अप्लाई करना है। आपको आधा चम्मच ले लेना है, स्किन के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई कर देना है। तो सबसे आसान तरीका है मसाज करने का, आपको मैं बताता हूँ कि कभी भी आप स्किन के ऊपर ज़्यादा क्रीम ना लगाएं, ना तो ज़्यादा लगाएं ना तो कम लगाएं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्रीम लगाएं। उसके बाद अपने हल्के हाथों से मसाज दीजिए, 5 से 7 मिनट तक मसाज देना है आपको। उसके बाद आपको स्टीम देना है। ये नहीं भूलना चाहिए आपको कि आप जब भी फेशियल कर रहे हो तो आपको स्टीम बहुत ज़रूरी है स्किन के ऊपर, ताकि स्किन के जो पोर्सेस होते हैं उसे ओपन होना चाहिए। स्किन की जो प्रोसेस है वो ओपन होने के लिए आपको स्टीम ज़्यादा देर नहीं देना है, 1 मिनट तक उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आप उसको साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके जो नोस नाक के आजू बाजू में जो भी वाइट हेड से ब्लैक हेड से उसको साफ कर दीजिए आप। फिर उसके बाद में चौथा स्टेप्स फेस जेल मसाज, इसका इसका जो जेल मसाज है ना, ये देखो दिख रहा है एकदम इसके अंदर डायमंड डाला हुआ है। सही मसाज करना, कभी भी आपको फेशियल करना है तो गुलाब जल से ही करना है। गुलाब जल से जो इफेक्ट मिलेगा आपको सादा वाटर से नहीं मिलेगा आपको। एक 5 मिनट से 7 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है, जेल मसाज को, और उसके बाद इसको क्लीन कर देना है। उसके बाद पांचवा स्टेप आप लगाना है। अभी हमने जेल मसाज कर दिया है, अब इसको हम क्लीन करेंगे। पांचवा स्टेप है, और ये है इसमें कुछ एडिशनल दिया है पांचवा स्टेप, लेक्टो ब्लीच। इसको लगा कर 5 मिनट मसाज करना है और उसके बाद इसको क्लीन करना है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, शहनाज हुसैन का जो 5 स्टेप का फेशियल हुआ करता था उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लाया है, लेक्टो ब्लीच। एक्चुअली ये जो ब्लीच है ना, ये उनका बहुत बेहतरीन ब्लीच, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपके स्किन को कोई तकलीफ नहीं होता है, और इससे मसाज करना पड़ता है, इसको लगा के रखने वाला ब्लीच नहीं है। इसको लगा कि सिर्फ आप 5 मिनट मसाज करो, उसके बाद टकाटक इसको धो दो, एकदम चेहरे पे फटाफट निखार आ जाता है। अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करके जियो और कंजूसी मत करो। मसाज करके हो गया, अभी इसको भी हम साफ कर देंगे, और इसको अपने हर वाटर से या स्पंज से आप साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
पांचवा स्टेप हो गया है हमारा, अब ये सिक्स स्टेप है, छठवां स्टेप। और ये इसका डब्बा बहुत ही खूबसूरत है, पूरा वाइट है ऊपर से नीचे तक। और इसका ये D10 पैक है, इसको अप्लाई करते हैं और फिर इसको हम 5-10 मिनट रखेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे रिमूव करके, उसके बाद ये फाइनल स्टेप हो जाएगा। फेस पैक को हम अप्लाई करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे, सूखने के बाद इसको रिमूव करेंगे, निकाल देंगे। मतलब खाता है और हक के लिए ठीक हो जाएगा। जितने लोग सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, आपको स्पेशल हम सिखाएंगे। काम नहीं रहता है, टपक पड़ते बीच में। शहनाज हुसैन गोल्ड फेशियल हो गया है और अभी आप चेहरे पे इनके देख सकते हैं किस तरह से ग्लो आ गया है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम मस्त चमक रहा है चेहरा, एकदम चमाचम। 6 स्टेप का जो फेशियल था हमने आपको बताया किस तरह किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताया है। अभी फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, आप अभी हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दबा के दोस्तों के साथ, फुल वीडियो वायरल होना मांगता है। और ट्यूटोरियल वीडियो है और जो भी वीडियो आपको चाहिए ट्यूटोरियल वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं वैसा वीडियो आपको ला बनाकर दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा सब चीज़। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।